वेल गाइज, तो मैं हूँ रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट मनिया ओरिजिनल। और गाइज, इस वीडियो के अंदर मेरे पास आपके लिए WWE के सम ऑफ द बिगेस्ट अपडेट हैं। गाइज, WWE में रोमन रेंस के अगले चैलेंजर को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका है। WWE के अंदर ड्रू मैकइंटायर के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। WWE के लास्ट नाइट मंडे नाइट रॉ के बाद रॉ की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। तो गाइज, वहीं इस साल मनी इन द बैंक को कौन जीतेगा ये चीज भी लगभग रिवील हो चुका है। तो गाइज, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करेंगे WWE के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप की। वेल गाइज, बात करें यहां पर रॉ के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक जब WWE ने उनका मंडे नाइट रॉ कराया था, तो गाइज लास्ट वीक WWE के मंडे नाइट रॉ को करीबन 1.8 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइज, इस हफ्ते जब WWE ने मंडे नाइट रॉ कराया, तो गाइज इस हफ्ते के WWE के मंडे नाइट रॉ के व्यूअरशिप मुकाबले करीबन 3 लाख से ज्यादा गिर चुकी है। गाइज, इस हफ्ते WWE के मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है 1.5 मिलियन, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। बट गाइज, क्योंकि यहां पर अमेरिका के अंदर इस हफ्ते NBA फाइनल्स हो रहे थे, तो गाइज इसीलिए NBA फाइनल गेम्स के वजह से WWE के रॉ की व्यूअरशिप गिर चुकी है। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के WWE में रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछले काफी महीनों से WWE के अंदर हमें ड्रू मैकइंटायर देखने को नहीं मिले गए। और गाइज, इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि ड्रू मैकइंटायर के WWE कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद मैकइंटायर WWE को लीव करके पॉसिबली ऑल इलीट रेसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। बट गाइज, यही अभी सबसे ड्रू मैकइंटायर के कॉन्ट्रैक्ट और रिटर्न होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE और ड्रू मैकइंटायर के बीच में इस समय नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर बात चल रही है। बट गाइज, यहां पर ड्रू मैकइंटायर WWE के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट को तब तक साइन नहीं करने वाले गए जब तक WWE ड्रू मैकइंटायर को यह नहीं बता देती गए कि ड्रू मैकइंटायर को WWE में फ्यूचर में क्या स्टोरी लाइन मिलेगी। और गाइज, यहां पर बेसिकली ड्रू मैकइंटायर WWE से नया कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब WWE ड्रू मैकइंटायर को यह प्रॉमिस करते गए कि WWE के अंदर फ्यूचर में उन्हें बढ़िया स्टोरी लाइन में काम करने का मौका मिलेगा और WWE के अंदर ड्रू मैकइंटायर को बढ़िया बुकिंग मिलेगी। और गाइज, यहां पर WWE के अंदर ड्रू मैकइंटायर अब रिटर्न तभी करेंगे जब WWE कंपनी ड्रू मैकइंटायर को बढ़िया बुकिंग देने का प्रॉमिस करते गए। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ड्रू मैकइंटायर और WWE के बीच में एग्रीमेंट फाइनल होता है या नहीं, और गाइज WWE के अंदर मैकइंटायर उनका रिटर्न कब करते हैं। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के WWE में अगले चैलेंजर की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि WWE के रसल मिनिमन रेंस ने अभी तक उनके टाइटल को डिफेंड नहीं किया है। बट गाइज, यही अब सोशल मीडिया के ऊपर इस हफ्ते रोमन रेंस को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज मिल चुका है। वेल गाइज, इस हफ्ते रोमन रेंस ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंस्टाग्राम के ऊपर एक लेटेस्ट पोस्ट किया था, जहां पर रोमन रेंस के इस पोस्ट के बाद अब WWE के अंदर गेबल स्टीवेंसन ने उनके डेब्यू को टीज कर दिया है, जहां पर गेबल स्टीवेंसन का यह कहना है कि वो WWE के अंदर आकर पॉसिबली रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं। और गाइज, यहां पर गेबल स्टीवेंसन यहां पर पोस्ट करते हुए लिखते गए कि वो एनीवन से एनी टाइम पर रोमन रेंस को फेस कर सकते हैं। और गाइज, यही अब सोशल मीडिया पर गेबल स्टीवेंसन के इस पोस्ट के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के अंदर गेबल स्टीवेंसन उनका डेब्यू करेंगे। और गाइज, फाइनली WWE के अंदर फैंस को गेबल स्टीवेंसन वर्सेस रोमन रेंस के बीच में WWE का अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE के अंदर गेबल स्टीवेंसन के पहले मैच के अंदर ही उन्हें WWE में ट्राइबल चीफ से लड़ने का मौका मिलता है या नहीं। बट गाइज, आप लोग रिंग्स वर्सेस स्टीवेंसन का मैच देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे। बट गाइज, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के अपकमिंग पेपर व्यू मनी इन द बैंक की। वेल गाइज, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि इस साल WWE का मनी इन द बैंक पेपर व्यू WWE कंपनी UK के अंदर करने वाली है। बट गाइज, यही अब WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू को लेकर बेटिंग ऑड्स के सामने से बहुत बड़े स्पॉइलर आ चुके हैं, जहां पर इस हफ्ते बेटिंग ऑनलाइन से ये रिपोर्ट आ रही है कि WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर कोडी रोड्स और डोमिनिक मिस्टीरियो मैच के अंदर कोडी रोड्स डोमिनिक मिस्टीरियो को नीट एंड क्लियर बीट करने वाले गए। गाइज, वहीं WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू पर सेट रॉलिंस के वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के अंदर सेट रॉलिंस फिन बैलर को नीट एंड क्लियर बीट करने वाले गए। और गाइज, फाइनली WWE के मनी इन द बैंक लैडर मैच के अंदर इस साल जो रेसलर WWE के मनी बैंक को जीतने वाला है वो रेसलर और कोई नहीं बल्कि LA नाइट होने वाले गए। और गाइज, यहां पर बेटिंग ऑड्स के हिसाब से इस साल UK में WWE के मनी इन द बैंक पेपर व्यू के ऊपर रिकॉर्ड सेंसके नाकामुरा, डेमिन पेस, संतोष एस्कोबार और पीट डून के बीच में LA नाइट वो रेसलर होने वाले गए जो इन सभी को बीट करके मनी इन द बैंक को जीतेंगे। और गाइज, यहां पर बेटिंग ऑड्स ने इस चीज को लगभग कंफर्म कर दिया है कि LA
नाइट इस साल WWE का मनी इन द बैंक लेकर जाने वाले गेम। वेल गाइज, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि मैनिंग और मनी इन द बैंक के बेटिंग ऑर्ड्स कितनी सही साबित होती गए। बट गाइज, आपको क्या लगता है WWE के कौन से रेसलर को इस साल मनी इन द बैंक को जीतना चाहिए? आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताइए। बट गाइज, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंक।